हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग विद कौस्तु। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आंवला से बनने वाला च्यवनप्राश। जी हाँ, घर पे ही आप च्यवनप्राश बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले ऑलमोस्ट 2 किलो आंवला ले लिया है। उसे अच्छे से धो के मैं 4 ग्लास पानी में कुकर में बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही सीटी आप लगाइए। 2 सीटी में ये अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद गैस रिलीज करके जब ठंडा हो जाए कुकर, तो आंवला निकाल लीजिए, छान के उसका पानी अलग कर लीजिए। ये आंवला का जूस तैयार है। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, ये इस तरह से बीज निकाल के ये पूरा उसका आंवले के टुकड़े हम लोगों ने कर दिए हैं। इसमें जो सामग्री लगेगी वो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। दशमूल 20 ग्राम, पिपली 20 ग्राम, मुलेठी 20 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और ये दालचीनी के स्टिक्स 20 ग्राम। इन सब को हम मिक्सर जार में ड्राई ही पाउडर बना लेंगे सबका। आप मार्केट में अगर ढूंढेंगे तो आपको ये पाउडर भी तैयार मिलेगा इन सब चीज़ों का, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। और भी कुछ सामग्री इसमें डलती है, जैसे सौंफ 20 ग्राम, फिर ये मैंने जायफल लिया है 10 ग्राम, ये तेजपत्ता ये भी मैंने 10 ग्राम लिया है, लौंग गर्म होता है इसलिए 10 ग्राम, ये है सीसम सीड्स 20 ग्राम और ये है छोटी इलायची 20 ग्राम। इन सब का भी हम पाउडर बना लेंगे। इसमें ड्राई कोकोनट भी डाल के इसका भी हम पाउडर बना लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हम इसमें, जैसे ये बादाम है ये 50 ग्राम और फिर अखरोट है ये भी लगभग 50 ग्राम है, ये किशमिश है ये 25 ग्राम लिया हुआ है और खजूर है, खजूर मैंने 1 पाव पूरा ले लिया है सीडलेस। और इसमें हम शुगर नहीं डालते हुए हम इसमें डालेंगे गुड़ जगेरी। तो हमने जैसे आंवला 2 किलो लिया था तो गुड़ भी इसमें हमें 2 किलो ही लगेगा। तो ये सब सामग्री है, इन सबको हमें पेस्ट कर लेना है। और चलिए हम अभी विधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉईल किया हुआ आंवला जो है इसको पेस्ट कर लेंगे। इसी में पेस्ट करते वक्त हम करीबन 25 ग्राम तुलसी के पत्ते और अदरक भी इसके साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, पूरा अच्छे से इसको पेस्ट कर दीजिए। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें लगभग हमें घी लेना है 1 कप, 1 कप पूरा फुल घी लेना है। और जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हम ये आंवला का पूरा पेस्ट जो हमने बनाया था सबसे पहले वो डालेंगे, क्योंकि उसमें पानी का अंश है इसलिए हमें घी में उसे अच्छे से पकाना है ताकि उसका पानी पूरा ही ड्राई हो जाए। इस विधि को लगभग ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता ही है। तो ये देखिए, जैसे अभी धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ रहा है, ये इस तरह से हमको पकाना है। फिर हम सबसे पहले इसमें खजूर का पेस्ट ऐड कर देंगे, पेस्ट किया हुआ पूरा। ये देखिए, ये कढ़ाई जैसे मतलब नीचे से नहीं चिपक रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि ये पक चुका है, इसका पानी का अंश पूरा निकल चुका है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, 2 किलो जो हमने गुड़ लिया था उसे क्रश करके ऐड कर देंगे। गुड़ का भी धीरे धीरे पानी छूटता है, ये देखिए इस तरह से गुड़ जैसे ही मेल्ट होने लग जाएगा, पूरा मेल्ट होने देना है गुड़ को। ये देखिए, पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है ये गुड़। अभी इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें हल्दी ऐड किया, लगभग 4 से 5 चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है। फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला जो मिश्रण था वो ऐड कर देंगे। उसके बाद ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट का पाउडर जो हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। और जैसे ही जैसे ही आप ये सब ऐड करते जाएंगे ना, धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जाएगा। अब सबसे एंड में हमने जो सभी जड़ी बूटियों का पाउडर बनाया था वो पाउडर हम ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको 5 मिनट पकाएंगे और फिर लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे शहद। 1 कप शहद आपको ऐड करना है इसमें ऑलमोस्ट,
और उसके बाद भी 5 मिनट पकाने के बाद ये आपका च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो च्यवनप्राश घर पे बनाइए, ठंड में सबको खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, सी यू।